ये देखिए फ्रेंड, आम का अचार बनाने के लिए हमने लिया है 10 किलो आम, और आम को हमने धो के और फिर अच्छे से पोंछ लिया था। उसके बाद हमने इसको काट लिया है, देख सकते हैं इतने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसके अंदर की जो बीज होती है वो हमने निकाल दिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हल्दी। और नमक, हल्दी नमक, नमक भी हम उतने ही डालेंगे, 5 चम्मच, 5 चम्मच हल्दी और 5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। और इसको हम अच्छे से हल्दी नमक डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, आम के अंदर हल्दी नमक अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, और इसको हम रात भर के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, और मॉर्निंग में इसको हमें धूप में अच्छे से सुखाना है। तो इसी तरीके से रात भर के लिए हम छोड़ देंगे। अब शाम के 7 बजे हमने इसके अंदर हल्दी नमक मिलाया है, और पूरे नाइट छोड़ देंगे। इसके अंदर का जितना भी पानी होता है ना, पूरा निकल जाएगा। उसके बाद हमें इसको धूप में अच्छे से सुखाना है। ये देखिए फ्रेंड, पूरे रात के लिए हमने इसको हल्दी नमक में छोड़ दिया था, और इस पर देख सकते हैं आप लोग पानी भी छूटा होगा बहुत काफ़ी। तो इसको हम उठा उठा के, एक कपड़ा हमने बिछा दिया है उसके ऊपर हम सूखने के लिए इसको डालेंगे। इस तरीके से चारों तरफ फैला के इसको हमें सुखाना है धूप में, एक दिन के लिए हमें इसको धूप में सुखाना है अच्छे तरीके से, ताकि इसका जो पानी छूटा है वो पूरा अच्छे से सूख जाए, तभी हमारा अचार एकदम बढ़िया बनेगा और सालों सालों तक चलेगा। ये देखिए फ्रेंड, इसको हमें इस तरीके से फैला देना है, और इसको एक 2-3 बार उलट पुलट के अच्छे तरीके से हमें इस आम को सुखाना है। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमें सारे आम को सुखा लेना है। ये देखिए फ्रेंड, सारा आम हमने इस तरीके से डाल दिया है, देख सकते हैं आप लोग, और इसको हम थोड़े देर में अलट पलट करके अच्छे से सुखाएंगे। ये देखिए, कोई भी कपड़ा आप बिछा के, साफ़ कपड़ा बिछा के उसके ऊपर आम को डाल सकते हैं सूखने के लिए। तो ये मैंने चुन्नी के ऊपर डाला है, साफ़ चुन्नी थी, तो उसके ऊपर हमने ये आम डाल दिया और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आम अच्छे तरीके से सूख चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसको हमने एक दिन तक पूरे धूप में सुखाया है, और ये देख सकते हैं हमारा आम बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख गया है, ये देखिए। तो ये अचार बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसको उठा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसको हमने उठा लिया है बर्तन में। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं आम का अचार बनाने के लिए किस किस मसालों का ज़रूरत पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड, आम के अचार के मसाले के लिए हमने लिया है सरसों। ये हमारा 1/2 किलो सरसों है, आप कोई सा भी सरसों यूज कर सकते हैं। हम ब्लैक वाला सरसों यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो ब्लैक वाला या फिर पीला वाला या फिर काला वाला, दोनों में से कोई सा भी सरसों यूज कर सकते हैं आप लोग। और ये हमने लिया है 5 बड़े चम्मच मेथी दाना, 5 बड़े चम्मच सौंफ, 5 बड़े चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 5 बड़े चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर, 5 चम्मच लिया है अजवाइन, 5 चम्मच लिया है कलौंजी, 5 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, और 5 चम्मच लिया है हमने नमक। और सौंफ को और मेथी को हमें हल्का सा रोस्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये सौंफ और मेथी, इन दोनों को हमें 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, सौंफ और मेथी हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सौंफ और मेथी को हमने प्लेट में निकाल लिया और इसमें से हम दो बड़े चम्मच साबुत निकाल लेंगे। साबुत डालेंगे इसको अचार में। इसको हमें मिक्सर जार में पीसना है और ये हमें साबुत डालना है। ये देखिए फ्रेंड, ये सरसों और ये जो हमने अभी भुना है मेथी और सौंफ, इन दोनों को हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। और ये जो हमने निकाला है इसको हम साबुत यूज़ करेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। तो पहले इन दोनों को हमें पीस के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इन दोनों को हमने पीस के रेडी कर लिया है और अब हम इन सारे मसाले को आम के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा मसाला हमने इकट्ठा कर लिया है। जो जो हमने आपको दिखाया था उनको हमने पीस लिया है, सरसों को और मेथी और सौंफ को। तो देख सकते हैं ये हमने सारा मसाला इकट्ठा कर लिया और ये हमारा आम भी है और ये सरसों का तेल है। तो अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करें सरसों। आधा किलो सरसों है जिसको हमने मिक्सर जार में पीस लिया है। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं ये कलौंजी, नमक, हल्दी, अजवाइन, पाँच पाँच चम्मच है। इन सबको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम डाल रहे हैं साबुत जो हमने भून के निकाला था, वो डाल रहे हैं। और ये है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सौंफ और मेथी जो हमने भून के पीसा था वो है ये। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सरसों का तेल। ये देखिए, सात से आठ बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर। कम से कम एक पाव तक तेल है ये। और इन सारे तेल को डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, सब कुछ हम इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये आम का अचार मेरी सासू माँ के तरीके से है। इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसको आप कितने भी साल तक रख सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा ये अचार। ये देखिए फ्रेंड, अचार के अंदर हमने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर हमने तेल का कम यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको डब्बे में डालने के बाद एक कप तेल ऊपर से डाल सकते हैं। और अब हम इस अचार को एक डब्बे में डाल देंगे, जो भी आपके पास डब्बा हो, प्लास्टिक का या फिर कांच का, उस डब्बे में इस अचार को डाल देंगे और इसको दो दिन तक हमें धूप में रखना है। ये अचार आप लोग का सालों साल कभी भी ख़राब नहीं होगा। जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो अचार बनाने के इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है वो है, सबसे पहले आप लोग को हल्दी नमक डालने के बाद जो धूप में सुखाते आम को, उसको अच्छे से सुखाना है। उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तभी जो हमारा अचार है सालों साल तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप अचार निकालें तो उसको साफ़ चम्मच से, सूखे चम्मच से आप अचार को निकाल के खा सकते हैं। सासू माँ के हाथों के अचार की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारी आगे की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।